हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चों? एक अपने सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में, चूंकि यू नो मोस्ट ऑफ द पेपर थियरी पेपर हैं, लॉ बेस्ड पेपर हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, एमसीक्यू हैं, तो काफ़ी रिलैक्स हैं आप लोग. सो लॉ के पेपर में यू नो एक सबसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उसका आंसर कितना लिखना है. ये मुझे ना यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि यू नो अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है तो लिखना कितना है. और बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है ना जिसका कोई स्टैंडर्ड आंसर बना ही नहीं है आज तक, यू नो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है. और कई बार आईसीएसआई तो छक्का मार देती है, छक्का मार देती है, इन सेंस एक डेफिनेशन पूछेगी रिसीट का, एक डेफिनेशन पूछेगी इंडियन स्टैम्प एक्ट से और बोलेगी 5 मार्क्स से लिखो, या फिर बहुत बड़ी डेफिनेशन जो होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कई बार वो पूछा जाता है कि 3 मार्क्स से लिखो. तो मेरे बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा ही पूछते हैं और इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यू नो व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द आंसर, कितना लिखना चाहिए. और मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, इस चीज़ का कोई आंसर नहीं कितना लिखना चाहिए. हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बच्चों. देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको किसी लड़की को प्रपोज करना है, या किसी लड़की को कहूँ कि बेटा आपको कुछ अच्छा करना है, या मम्मी पापा से एक कार मांगनी है, किसी लड़की को मैं कहूँगी, किसी लड़की को कहूँगी किसी लड़की को प्रपोज करना है, तो यार आपका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या कि इतना ही प्रपोज करना है और प्रपोज में आई लव यू बोलना है? नहीं बाबा. या फिर अगर किसी लड़की को अपने पापा से कार मांगनी है तो क्या इतना ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या कि कार मांगने के लिए यही बोलना है पापा मुझे कार चाहिए? बाबा, इट इज़ द मैटर ऑफ एक्सप्रेशन. आप जितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना आपको लिखना है. ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको किसी आंसर के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको उसके लिए 6 लाइन लिखनी है, 8 लाइन लिखनी है, 9 लाइन लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं है. मैं यूट्यूब के माध्यम से मैं सीएस करने वाले सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द आंसर. स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन द सेंस स्टैंडर्ड लेंथ. यार आप अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लिख रहे हो और 3 मार्क के लिए पूछा गया है, तो आप अगर उस चीज को, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को अगर 4 लाइन में नहीं बता सकते तो आप मत लिखिए. अगर आपको लगता है कि 10 लाइन में उसका आंसर कंप्लीट होगा तो आप 10 लाइन में लिखिए. अगर 5 मार्क की डेफिनेशन है, इफ देर इज अ डेफिनेशन ऑफ 5 मार्क, और उसकी जो डेफिनेशन है वो 3 मार्क की है, 3 लाइन की है, सो व्हाट यू डू? अब ऐसा तो नहीं करोगे कि 3 मार्क की डेफिनेशन को 2 बार लिखोगे. व्हाट यू कैन डू इज 3 मार्क की जो डेफिनेशन, 3 लाइन, 5 मार्क के लिए अगर 3 लाइन की डेफिनेशन पूछता है तो 3 लाइन की डेफिनेशन लिखो, और उसके बाद आप अगर चाहो तो थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख सकते हो, उससे और क्या लिखोगे यार. सो मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, ये टेक्निक मैंने भी हमेशा फॉलो की, और जितने मेरे टॉपर स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं मैंने उनसे ही बात की है, और सबका यही मानना है. और हम लोग एक मत ये बनाया है कि देर इज नो स्टैंडर्ड लाइन कि इतनी ही लाइन, इतना ही कंटेंट होना चाहिए. आप जितने अच्छे तरीके से, जितने शब्दों में, जितने कंटेंट में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ योर आंसर. ठीक है. सो इफ आई कुड प्रपोज अ गर्ल, इफ अ गर्ल कुड आस्क फॉर सम बिग कार फ्रॉम हर फादर, और उसको वो एक्सप्रेस करने में 1 घंटा लगता है अपनी फीलिंग बताने में, तो दैट उसके लिए 1 घंटा है. कोई 2 मिनट बता देता है, कोई 1 सेकंड बता देता है, तो वो सबका अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना हुनर है. बट हमेशा याद रखिए एक चीज़ आपको मानना है कि एग्जामिनर जो है, जो आंसर पेपर चेक करने वाला है, वो आपका छोटा भाई है, उसे कुछ नहीं आता. आप जितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे. सो ये चीज़ ध्यान में रखिए. और मैं हमेशा बोलता हूँ आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए. मॉड्यूल का रट्टा मार नहीं सकते बच्चे, उसका तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है. सो प्लीज़ आप अपने वर्ड्स में लिखिए. मेक श्योर कि ग्रामर थोड़ा सा आप सही लिखें तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आईसीएसआई के पेपर. कंपनी लॉ के पेपर में सेक्शन कोड करने का एडवांटेज है, तो आप वहाँ पर सेक्शन कोड कर सकते हैं. हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सेक्शन आपको लिखना ही है, बट लिखा तो हमेशा ये अच्छा ही इम्पैक्ट डालता है. और अगेन, आंसर आप उतना ही लिखिए जितने में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. 10 मार्क का क्वेश्चन है लेकिन जो कंसेप्ट है उसमें 9 ही लाइन है, 6 ही लाइन है, 7 ही लाइन, तो आप उतना ही लिखिए. आपको एक्स्ट्रा घुसेड़ने का उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है. ये बीकॉम का पेपर नहीं है, एलएलबी का पेपर नहीं है, जो आप जितना आपकी आंसर शीट को ऐसे वेट किया जाए और मार्क्स दिया जाए. नो, आप जितना आता है आपको, जितना जितना आता है आपको नहीं, बट जो सही है उस चीज़ में आप वही लिखिए. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी डेफिनेशन पूछ रहा है तो मेरे को उतना ही लिखना है, चाहे वो 3 मार्क के लिए पूछे, 4 मार्क के लिए पूछे, 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया मुझे डालना ही है. सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या है? अब मुझे इसमें पूरा 164 लिखना ही है, चाहे कुछ भी आए, मतलब चाहे वो 2 मार्क के लिए आए, 4 मार्क के लिए आए, 6 मार्क के लिए आए. तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आपको अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है. थैंक यू सो मच.